नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर के शास्त्री मार्केट स्थित एक मकान में लगी भीषण आग। फायर फाइटरों ने रेस्क्यू कर घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सोमवार की देर रात करीब 2 बजे सदर बाजार शास्त्री मार्केट इलाके में उस वक्त लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब एक मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि मकान में रह रहे लोग चीखने चिल्लाने लगे। घटना की सूचना आनन फानन में पुलिस और फायर सर्विस को दी गई। मौके पर पहुंची फायर फाइटरों की टीम ने मकान की दूसरी मंजिल पर फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सीढ़ी से उतार कर सुरक्षित बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के पीछे की वजह बिजली शॉर्ट सर्किट बताई गई। भीषण आग में एक स्कूटी, एक बाइक के अलावा घर का सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। मैं आपका, और ये आग जनी हुई किस तरीके से आग लगी? अभी एक घंटे पहले मैं यहाँ नहीं था, मेरे पास फोन आया था, तो मैं अपने घर से आया। मैं रामानगर रामकृष्णा में रहता हूँ। तो जब मैं आया तो लकड़ी की शॉर्ट, बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, और आग लगने से फिर आग बढ़ती चली गई। और नीचे 2 बाइक स्कूटी खड़ी थी, एक बैटरी वाली और एक मोटरसाइकिल खड़ी थी पेट्रोल वाली, उसमें लग गई स्प्लेंडर गाड़ी में। बहुत तेजी से आग लग गई है, सारे पत्थर अस्तर सब चढ़ गए। लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपका? करीब 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 3-4 लाख रुपए का? तो ये कहाँ है, वो कौन सी जगह बोली जाती है? ये सदर बाजार पुरानी इलाहाबाद बैंक शास्त्री मार्केट के पास हमारी जिंदगी। कोई जान हानि? घर के लोग जो ऊपर फंस गए थे सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। दूसरी कोई नंबर? यहाँ आग लगी है, किस तरह की सूचना मिली थी और लगभग कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है? ये शास्त्री मार्केट के सामने गली में आग लगी, सूचना 112 के माध्यम से मिली थी। तो यहाँ फायर सर्विस की 2 मौके पर गाड़ियाँ आई हैं। तो एक गाड़ी बाइक थी और एक बैटरी वाली वो स्कूटी थी। स्कूटी में जैसे ड्राइवर और पैसेंजर दोनों गाड़ियाँ बैठी हैं, पर जो लोग थे उन्हें लेडर के माध्यम से नीचे उतार लिया गया था, और कोई इससे नुकसान हानि नहीं हुई थी। 2 बैग थी वही जल्दी। जो लोग घर में फंसे हुए थे उन्हें किस तरीके से? वो लेटर से गाड़ी से निकाल के और सीढ़ी के माध्यम से उतार लिया गया था। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान 2, एक बाइक और एक स्कूटी, उसका इतना ही नुकसान है। किस तरीके से आग लगी थी? शॉर्ट सर्किट हुआ था। अब आपके ही शहर फिरोजाबाद में नाक कान गले के रोगों की समस्याओं का सफल इलाज। ENT रोग विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर लव कुमार, MBBS DLO मिलने का समय सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। हमारा पता प्रथम तल नगर निगम मार्केट जिला अस्पताल के सामने स्पीड कलर लैब के ऊपर फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9675770146, 7798904825। मैं डॉक्टर लव कुमार यादव, ENT सर्जन, जो कि सरकारी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने नगर निगम की मार्केट में क्लिनिक है मेरा। मेरा जो टाइमिंग है यहाँ 11 बजे से लेके 3 बजे तक है। सोमवार से लेके शनिवार तक मैं डेली यहीं बैठता हूँ अपने क्लिनिक पे। मेरे क्लिनिक पे सारी सुविधाएं हैं, इलाज की भी सुविधा है और सभी तरह की नाक कान गले की सर्जरी की भी सुविधा है। मैं हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी कुछ ऐसे भी मरीज देखे हैं जो बाहर से रेफ़र होके आते हैं, जो कुछ बच्चे आर्मी की भर्ती देखते हैं, उनमें से किसी को दिक्कत आती है कि उनके पर्दे में छेद है, उनके पर्दा ही नहीं है। ऐसे लोगों के भी इलाज की सुविधा है, ऑपरेशन की सुविधा है, जो ऑपरेशन बगैर कट लगाए किया जाता है, उसमें कोई टांका या चीरा नहीं लगता है, उस ऑपरेशन की भी सुविधा है। नाक की हड्डी जिनकी टेढ़ी है उसको सीधा करके ऑपरेशन करने की भी सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ।